हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक बिकॉज देयर इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम योर एंड। ओके देन लेट्स अदर आल्सो कम, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। सो आई जस्ट वांटेड टू नो, लाइक वाज देयर एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू द लास्ट क्लास? एनीवन? Have you gone through the editorial page? Okay. So was it difficult reading for you? Okay. No problem. Day by day, we will work on that also. I will select some words from there, and along with that, I will give some meanings related to that. Okay, from tomorrow onwards, related to editorial page. Right now, I just wanted you all to read that page, and if you find any difficulty while reading, just let me know. And one more thing, when you are reading newspaper, at that time you can use Google also for finding the meaning of that particular word which you are not able to understand. आप न्यूज़पेपर का जब जो एडिटोरियल पेज आपको दिया जाएगा, आप उसका वर्ड मीनिंग आप ढूंढ सकते हो गूगल पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में समझ सकते हो कि अच्छा इसका मतलब क्या है उस पर्टिकुलर वर्ड का जिसका समझ में है। उसके बाद आपको तब भी ना समझ में आया तो आप मुझसे यहाँ पे भी पूछ लेना। कल से हम क्या करेंगे, एडिटोरियल रिलेटेड जो भी पेजेस हम आपको शेयर करेंगे उसमें कुछ वर्ड्स मैं खुद सेलेक्ट करके लेके आऊँगी और वो आपसे डिस्कस करेंगे उसके वक्त, ताकि इससे हमारा वोकैब भी, जब डिस्कस करने से वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो सकती है। ओके, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं सबका। ये पूरा वीक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इम्पोर्टेंस है अगर आपको अपना कम्युनिकेशन पे वर्कआउट करना है। पांच मिनट और वेट कर लेते हैं सबका। हेलो मैम। यस। मैम एक क्वेश्चन मतलब पूछना था। अगर मान लीजिए सपोज कोई कंपनी है तो उसके बारे में, मान लीजिए उसके उसके बारे में पूरा डिटेल निकालना था मेरे को कि ये कंपनी का क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम करता है या इस किस बंदे को हायर करता है, तो वो सब मैम किस पे मिलेगा? मान लीजिए प्रोजेक्ट उसको अबाउट पे जा रहा है, उसके पास प्रोजेक्ट डिटेल उसका देख रहा है, तो ये तो मान लीजिए अप्रोक्स पता चल जा रहा है कि हाँ ये कंपनी इस काम पे कर रहा है इस चीज पे। तो
लेकिन उसपे किस किस बंदे को ये हायर करता है ये कैसे पता चलेगा? अभी मैं तो फिलहाल जैसे ग्लास डोर को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से पता भी चल जाता है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है और क्या उनके यहाँ जो भी हायरिंग वगैरह चले वो भी आपको वहाँ पता चल जाएगा, और उनका कंपनी का प्रोफाइल पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। बट रिव्यूज़ भी आपको वहाँ पे ग्लास डोर करके एक है वेबसाइट, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं कि कंपनी अच्छी है कि नहीं है, उसका 5 out of 5 शायद रिव्यू मिलता है उसका, या आउट ऑफ 10 आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। और मैंने जहाँ तक देखा है मैंने वहीं से ज़्यादातर कंपनी का डिटेल निकाला है कि सही है कि नहीं, कंपनी ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। मैम किससे बताइए, किससे देखा एक बार वॉइस ग्लास आपका डोर, ग्लास डोर लास्ट कॉल? मैम कमेंट, मैम कमेंट बॉक्स में डाल हाँ दीजिए। जी डाल रही, मैं वेबसाइट लिंक कॉपी ओके कर लेती हूँ। जी आपको लिंक मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में, आपको चैट में, सत्यांशु। ओके ओके मैम, ओके थैंक्स मैम। आप यहाँ लिंक्डइन भी एक सोर्स है, आप पता कर सकते हो उसके बारे में, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उस कंपनी रिलेटेड लोगों से कनेक्ट करके आप बात भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, गुड इवनिंग मैडम। या गुड इवनिंग, लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई थी किसी को? ये वेबसाइट कहीं की है मैडम? ये एक्चुअली कंपनी का, जैसे आप कोई भी कंपनी जानना चाहते हो कैसा है कंपनी, तो रिसर्च के लिए उसका बैकग्राउंड है रिव्यू उसका। रिव्यू लेने के लिए कि अच्छी है कि नहीं कंपनी, वो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जी तो ऑल वो तो वर्ल्ड वाइड है क्या मैडम? अभी तो फिलहाल मैंने अभी इसका यूज़ किया अपने लिए, जब भी मैं करती थी ग्लास डोर पे, इवन क्योरा वगैरह पे भी आपको कुछ रिव्यूज़, जो वर्कर्स वगैरह एम्प्लॉयज़ वगैरह भी अपना रिव्यू देते हैं वहाँ पे, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। इवन लिंक्डइन भी है वहाँ पे, आप लोगों से इवन उस कंपनी के या किसी और से भी, जैसे थर्ड कनेक्शन हो या सेकंड कनेक्शन हो, उसे आप रिव्यू ले सकते हो कि कैसी है कंपनी, वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह सही चलते हैं कि नहीं, ऐसे करके आप पता कर सकते हो। जी ओके, तो हम आपको कोई प्रॉब्लम हुई एडिटोरियल पेज में पढ़ते वक्त, रीडिंग के टाइम पे? नो मैडम। अच्छा, तो जैसे हम क्या करेंगे, कल से एडिटोरियल पेज के कुछ वोकैब्स निकालेंगे, वो सिर्फ एडिटोरियल, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी है तो सब लोग नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ एडिटोरियल पेज पे हम फोकस करेंगे, और वहाँ पे हेलो जी हेलो, जी जी मैं सॉरी सॉरी मैडम सॉरी। तो हम वोकैब्स वहाँ से निकाल के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उससे कुछ वर्ड्स भी बनाना होगा, तो आपस में उस वोकैब का यूज करके हम बात करेंगे, जिससे हमारी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। तो मैडम ये ग्रामर कब से स्टार्ट है? जी वही मैं आज ग्रामर पार्ट ही आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? जस्ट अ सेकंड, लोड हो रहा है। अभी दिख रहा है सबको? ओके ओके देन, जस्ट अ सेकंड, मैं फर्स्ट स्लाइड पे चले जाऊँ। ओके, तो
आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसी ने सुना है आपने? नहीं हेलो, नहीं पीपीटी मिल सकता है कि जो क्लास में होता है ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? जी मैं शेयर कर दूंगी, पिछले क्लास का भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी और आज भी कर दूंगी, ओके मैम, आफ्टर क्लास में शेयर कर दूंगी। आप लोगों को पहुंचा नहीं है? नहीं नहीं अच्छा मैं बात करती हूँ। हाँ बहुत ओके मैम। ओके तो स्टार्ट करें फिर। तो आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सुना है किसी ने? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस? नहीं नहीं वो यस मैम, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा? मैं बताती हूँ आपको, ये हमारे क्लास का टाइमलाइन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे अच्छे से, ओके? उसके बाद हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स होंगे, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस आपको दिए जा सकते हैं हर टॉपिक के बाद, और फ्राइडे को आपका टेस्ट एक लिया जाएगा जानने के लिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आएगा तो हम अगले क्लास में फिर से उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो आज का कंटेंट हम देख लेते हैं क्या रहेगा। हम समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है, कुछ रूल्स उसके हम समझेंगे, और कुछ थ्योरी के तरीके, मतलब एक ट्रिक कह सकते हैं इसको, हम इसके थ्रू समझेंगे। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सारे नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हम उनके साथ साथ देखेंगे और समरी का भी डिस्कशन हम करते हैं बाद में। तो आते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? हाँ अभी बता सकता है कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? हेलो, चलिए जी। सुनीता लेट देम रिप्लाई फर्स्ट। ओके हेलो, हर्षल यू आर इन म्यूट। The special word to describe about the whole sentence and the things. क्या 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 आपने रिपीट करना? The describe the word, the special word to use to describe the all the things and the meaningful to the sentence. Okay, the sentence. और कोई example के through आप बता सकते हैं, daily life example? कोई बता सकता है डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? ओके कोई बताएगा? हैव अ प्लेजेंट मॉर्निंग। हैव अ प्लेजेंट मॉर्निंग, प्लेजेंट आल्सो। नहीं नहीं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अगर आपको बताना हो डेली लाइफ एग्जांपल से कि मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, एक तरह से ये एस लगा हुआ है आप देख रहे हो, पार्ट्स एस लगा हुआ है, इसका कुछ तो मीनिंग निकला होगा कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों है। मैम जैसे नाउन्स प्रोनाउन्स एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब्स ये सब होते हैं, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। तो जैसे किसी को इंडिकेट करते हैं तो वो जैसे नाउन्स होता है कि किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बोलते हैं, और ही सी इट यूज करते हैं तो ये प्रोनाउंस में आता है इस टाइप का थोड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि आप ले लो वेज फ्राइड राइस, आप खाते हो होटल वगैरह में जाके वेज फ्राइड राइस? यस मैम। तो आप इसको समझ लो कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब वेज फ्राइड राइस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं? सब्जी यूज होते हैं, नमक यूज हो रहा है, ऑयल का यूज हो रहा है, राइस का यूज हो रहा है। टोटल ग्रामर मैडम, एक्चुअल टोटल ग्रामर कह सकते हैं आप इसको।
और मैं बस एग्जांपल के तौर आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे आपका वेज फ्राइड राइस है, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके, वो आपके एक तरह से कहलाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, जैसे कि आपका राइस अलग है, अलग पार्ट है, ऑयल अलग पार्ट है, नमक अलग पार्ट है, टोटल मिलके एक वेज फ्राइड राइस बना रहे हैं कि नहीं? तो आपका जो अच्छा एक स्टेटमेंट आपका किससे बनता है, एक स्टेटमेंट आपका किससे बनता है, कोई भी सेंटेंस आपका कैसे बनता है? मैं उसमें नाउन प्रो नाउन एडवर्ब सेंटेंस कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस. नहीं, वो डिफरेंट चीज है. सब्जेक्ट प्रेडिकेट सुना होगा आप लोगों ने. यस मैम. सब्जेक्ट जिसके बारे में हमको बताना है, ठीक. प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, राइट. तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज होते हैं. सब्जेक्ट वो होता है जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट. द सन क्या आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट. सब्जेक्ट और इज राइजिंग इन द ईस्ट क्या आपका प्रेडिकेट है. तो तो वो प्रेडिकेट वर्ब है इज, उसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बता रहा है कि किसके बारे में, मतलब निकल रहा है. ओके, चलिए अभी हम अब फर्दर डिस्कशन करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे बोला है कि कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड्स कह सकते हैं जो अलग अलग रोल परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में. जैसे ऑब्जेक्ट का अपना रोल है, राइट. सब्जेक्ट का अपना रोल है, राइट. अब वो सब्जेक्ट किस तरीके का एक्शन परफॉर्म करे, सब्जेक्ट सैड है, हैप्पी है, या सब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सब पे भी डिपेंड करता है कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं वो क्या है, एक तरह से वर्ड है. ओके, जो अलग अलग रोल निभा रहा है उस सेंटेंस में, ठीक है. पार्ट ऑफ स्पीच एक तरह से क्या है, क्लास ऑफ वर्ड है. क्लास ऑफ वर्ड, क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट कई सारे होते हैं ना, क्लास में आपके कई सारे स्टूडेंट होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे बोला कि पार्ट ऑफ स्पीच इज अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस. जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ओके, इट प्लेस डिफरेंट फंक्शन इन अ सेंटेंस बेस्ड ऑन देयर पोजिशन. ये अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके पोजिशन पे डिपेंड करता है. मतलब अगर स्टार्टिंग में है तो वो सब्जेक्ट है, एंडिंग में है तो ऑब्जेक्ट है. समझ में आ रहा है आपको? देर आर एट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिस्टर सरोवर लाइक्स हॉट कॉफी इन ब्रेकफास्ट. ओके, यहाँ पे आपको समझना है पार्ट ऑफ स्पीच. मिस्टर सरोवर क्या है? मिस्टर सरोवर नाउन है, सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है. देखिए, आपका नाउन कुछ भी हो सकता है, आपका नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, आपका नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. नाउन कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वो हम समझेंगे अभी आगे क्लास में. तो यहाँ पे आपका मिस्टर सरोवर क्या है, नाउन हो गया, ठीक है. अब उसके बाद क्या आपका वर्ब क्या है, लाइक्स है, ठीक है. एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे हॉट है. फिर से नाउन आ गया, नाउन कैन बी एनीथिंग, राइट. किसी को भी नाम, आपने नाउन का डेफिनेशन आपको पता होगा, मैं अगर नहीं पता तो हम आगे डिस्कस भी करेंगे. यहाँ पे कॉफी जो है वो नाउन है, इन जो है वो प्रेपोजिशन है, ब्रेकफास्ट जो है वो नाउन है. अभी हम इसके बारे में डिटेलिंग में समझेंगे, अब बस ये एग्जाम्पल देख लो कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट क्यों है, पार्ट ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते उनके बिना. ओके, ये अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा तो आपको टेक्निक भी पता चलेगा कि हमको सेंटेंस कैसे लिखना है. ऐसे राइटिंग वगैरह, अगर ईमेल राइटिंग वगैरह इन फ्यूचर आएगा तो आप, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा तो आपको वो टेक्निक पता होगी, तो आप जो है अच्छे से कर जाओगे. जस्ट अ सेकंड. ओके, नाउ
यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा है, पार्ट ऑफ स्पीच आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे शो अस हाउ द वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर। पार्ट ऑफ स्पीच क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो शो करते हैं कि किस तरीके से वर्ड्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके okay? एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिट केविन ब्रायन। नाउ ये एक तरह से वर्ड है, लेकिन ये क्या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? कुछ ऐसा अगर एक सेंटेंस नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एक केविन हिट ब्रायन ऐसे होता तो आपको समझ में आता, राइट? लेकिन अलग अलग जब है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका मेन मतलब क्या है, क्या समझाना चाह रहा है, ओके? नाउ द पार्ट ऑफ स्पीच टू विच अ वर्ड बिलोंग्स गाइड्स इज यूज इन सेंटेंस एंड डिफाइन्स द करेक्ट वर्ड ऑर्डर एंड पंक्चुएशन। जस्ट अ सेकेंड, ओके। पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, यहाँ पे दिया है कि उस गाइड एक तरह से आपको हेल्प करता है, गाइड होता है ना एक तरह से, जैसे आप कहीं पे ट्रेवल करने जाते हो तो आपको कोई रहता है ना बताने के लिए कि अच्छा ये लोकेशन पे ये है, ये लोकेशन पे ये है। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं हुआ तो आप भटक जाओगे कि नहीं? तो उसी तरह अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा, सब कुछ पता होगा, अच्छा ये चीज जैसे आपको मंदिर पता है, मस्जिद पता है कि अच्छा ये मंदिर कहलाता है, कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा कि मतलब मंदिर और मस्जिद एक ही चीज है, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो अगर इसी तरह पार्ट ऑफ स्पीच में भी अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आपको सेंटेंस वगैरह बनाने में आसानी होगी, करेक्ट वर्ड ऑर्डर पता हो जाएगा, मतलब अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हैं किधर पंक्चुएशन लगाना है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? नाउ पार्ट ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट क्यों है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि ये लर्नर को हेल्प करते हैं, जो पढ़ने वाला तो मदद करते हैं उनका कि किस तरीके से वर्ड को करेक्टली यूज करना है सेंटेंस में, ठीक है? एक मैंने शॉर्ट में तीन रीजंस भी लिख दिए यहाँ पे, आप ये देख सकते हो कि मतलब ये वही चीज ऊपर जो मैंने लिखी है वही चीज यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे रूल के बारे में बताने जा रहे अभी हम, तो हम क्या इंग्लिश ग्रामर, देर आर टू वेज इन विच इंग्लिश ग्रामर थ्रू विच वी कैन एनालाइज वर्ड्स और पार्ट ऑफ सेंटेंस और अ स्पीच। यहाँ पे कोई हमें बता सकता है कि हम किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर को एनालाइज कर सकते हैं? कोई बता सकता है किस तरीके से आप इंग्लिश ग्रामर को एनालाइज करेंगे? कोई बताएगा? टेंस, टेंस होगा, वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैडम सब्जेक्ट सही कहा, बिल्कुल सही। स्पीच भी पता होगी तो आप उसके थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को, राइट? तो पहला एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगी, ये सारी चीजें होंगी, ओके? और फंक्शनल एनालिसिस में आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है वो सब आएगा, ठीक है? फंक्शनल एनालिसिस में आप दो तरीके से इंग्लिश ग्रामर को जो है एनालाइज कर सकते हैं, समझ में आए? सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली बात जो वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है? जिसमें आप स्ट्रक्चर बता रहे हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके आपका सेंटेंस बना रहे हैं, राइट? लेकिन कौन क्या काम कर रहा है वो कैसे पता चलेगा आपको? वो आपको इससे पता चलेगा, ठीक है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब ये सबसे आया समझ में? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके चलिए, वो स्टेचू से पता चल जाएगा ना क्या कौन क्या कर रहा है जी। तो मैडम कौन क्या कर रहा है ये बात तो स्टेचू से पता चल सकता है ना? हाँ, तो वो तो उसमें जैसे अब कौन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसका क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगा? फंक्शन ये सर ओके स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट आपका वर्ब ऑब्जेक्ट इन सबका कॉम्बिनेशन होगा, ओके okay?
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रूल्स क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, वो इंडिकेट क्या करते हैं कि किस तरीके से आप जो आपका जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है सेंटेंस, वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं. ओके क्या किस तरीके को चीजों को अपना मतलब बता रहे, एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके उसके बाद बाय लर्निंग पार्ट ऑफ स्पीच रूल यू विल बी एबल टू फिगर आउट द नेम्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच वेदर इट इज नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव वर्ड. ओके तो अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच का रूल आपको पता चल जाएगा तो आप पता कर सकते कि ये किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है. नाउन पार्ट नाउन है कि नाउन एक तरह से कह सकते हैं कि अभी आपको एग्जांपल मैं दिखाऊंगी कि हमें कैसे पता चले कि अच्छा ये नाउन रिलेटेड है, ये प्रोनाउन रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच है या वर्ब रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच है. ओके अभी ये यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि हो सकता है कुछ लोगों को डिफिकल्टी भी हो अलग अलग तरह के पार्ट ऑफ स्पीच को एक साथ कैरेक्टराइज करना. तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक रूल यहाँ पे बता दिया है. उस रूल का नाम यहाँ पे मैंने उसको एक थ्योरी बता दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच थ्योरी, WAH2ILI. ओके यहाँ पे जैसे कोई भी सेंटेंस होगा आपका जो स्टार्ट होता है W से, मतलब हु, व्हाट, वेयर, ये सब जो होंगे वो एक तरह से क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच होंगे आपके. ओके समझ में आ रहा है? यस मैडम. और अगर जैसे एक्शन रिलेटेड वर्ड होंगे कि इज डूइंग दिस, सन राइजेस, राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक तरह से क्या है, राइज एक तरह से एक्शन हुआ आपका ना, मतलब वो क्या कर रहा है, सन उग रहा है एक तरह से, सूरज निकल रहा है उस दिशा में. ऐसे तो ये एक्शन वर्ड आपका अगर स्टार्ट हो रहा है. एक एग्जांपल और बताते हैं वर्ब रिलेटेड. इज दिस क्लास रिलेटेड टू पार्ट ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे एक तरह से इज से स्टार्ट हो रहा है ना, वो उसका प्रपोजिशन में, सॉरी वो प्रपोजिशन में आ जाएगा आपका. चलिए मैं अभी आपको वो सब चीजें अभी वन बाय वन बताऊंगी. मैम ये अभी समझ नहीं आया थोड़ा. जी मैं बता रही हूँ, एक मिनट देखिए. इतना ये वाला स्लाइड आपको समझ में आया कि रूल इसमें क्या होता है, आपके 8 तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं एक सेंटेंस में, राइट? एक सेंटेंस में 8 तरीके के आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. लेकिन आप कैसे पता करोगे कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन रिलेटेड है, प्रोनाउन रिलेटेड है, वर्ब रिलेटेड है या एडजेक्टिव वर्ड रिलेटेड है, वो कैसे पता करोगे? उसको पता करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये थ्योरी दी गई है. जैसे कि वो ये WAHHILI, जैसे इन सब रिलेटेड चीजों से होगा वर्ड लेटर जो हो यहाँ पे लिखा हुआ है ना. W मतलब हो सकता है हु, वेयर मीन्स हो सकता है कि हु मतलब कौन, हु मतलब कौन हो सकता है, व्हाट या जैसे कि व्हाट इज योर नेम, ये भी एक तरह से व्हाट क्या है यहाँ पे. जी तो आप ऐसे भी कह सकते हैं. जस्ट अ सेकंड, कोई कुछ कह रहा था अभी. कोई एक सेंटेंस में तो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड आ जाएंगे मैम. आपको कैसे पता चलेगा, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा. ये एग्जांपल आपको देखना होगा, हुर्रे वी हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर सोहम एंड रॉबिन फाइनली. ओके तो आपको यहाँ बताना है कि ये प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजंक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी. उसको समझने के लिए आपको ये वाला थ्योरी समझना होगा. जैसे कि आपका स्टेटमेंट हो सकता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट वाला, जैसे मैंने बताया, तो द सन क्या है, वो व्हाट है, व्हाट राइजेस इन द ईस्ट, द सन, राइट? द सन राइजेस इन द ईस्ट मीन्स व्हाट राइजेस इन द ईस्ट, द सन. तो सन आपका क्या है, नाउन होगा, राइट?
ओके, फिर राइजेस वो आपका वर्ब हो जाएगा, मींस एक्शन हो गया एक तरह से. फिर उसके बाद यहाँ पे हम एडजेक्टिव वगैरह का भी डिस्कशन करते हैं. रुक जाइए, अभी मैं एग्जांपल ये वाला दिखा देती हूँ आपको, इसके थ्रू हम समझते हैं. ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप देखिए. हुर्रा, वी हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर सोहम एंड रॉबिन फाइनली. ओके, तो आपको यहाँ कैसे पता चलेगा कि प्रोनाउन, नाउन, ये सब चीज़ें क्या हैं? ठीक है, ये यहाँ पे रूल्स हैं. मुझे लगता है ये हम बाद में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, इसको मैं क्लासिफिकेशन के बाद समझाऊंगी. अभी आपको स्लाइड, मैं नेक्स्ट स्लाइड बता देती हूँ. ठीक है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो. ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 क्लासेस में डिवाइडेड है, और भी है, मींस टोटल 12 है मेरे ख्याल से, बट जो मेन है आपके वो 8 है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है. ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे नाउन क्या है. ओके, नाउन क्या होता है? नाउन आपका किसी भी प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, ऑर्गन का नाम हो सकता है. नाउन को हम कहेंगे किसी का माइक ऑन है. हेलो, हेलो, किसी का माइक ऑन है? यस मैम. नहीं, ओके, ठीक है. तो अभी हम समझते हैं नाउन. ओके, पहले हम सारे पार्ट्स को समझ लेते, फिर रूल्स पे फिर से आएंगे. ओके, तो सबसे पहले नाउन क्या होता है हम ये समझते हैं. नाउन क्या होता है? एक तरह से किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का जो होता है नाम होता है. ओके, एग्जांपल में जैसे आप देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल, शिकागो. ओके, तो यहाँ पे नाउन क्या होगा आपका? किसी भी चीज़ का, मीन्स किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है. ओके, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन और द ईस्ट, ये दोनों क्या है? नाउन है आपके. ठीक है, द सन और द ईस्ट आपके नाउन है. मीन्स ईस्ट क्या, एक तरह से डायरेक्शन का बता रहा है ना, और द सन क्या है, वो एक तरह से आपका मेन जो है नाउन, एक तरह से वो एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं उसको, जिसके बारे में वो बता रहे कि अच्छा ये सन ही है. ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल पे हम आते हैं, एग्जाम्पल पे समझेंगे कि नाउन है क्या. आई हैव नेवर रेड दैट बुक. यहाँ पे बुक क्या है? ये बुक नेम ऑफ थिंग है, राइट, किसी चीज का नाम है. तो एक तरह से बुक क्या है आपका? नाउन है. ओके, एला लिव्स इन फ्रांस. एला क्या है? पर्सन का नाम है, फ्रांस आपका लोकेशन का नाम है. तो ये नाउन हो गया, एला और फ्रांस आपका नाउन हो गया. ठीक है, The band played only new songs. तो जो बैंड है और सॉन्ग्स है ये आपका नाउन है. ओके, समझ में आ रहा है नाउन क्या होता है? Yes, ma'am. तो नाउन आपका जो होता है वो एक तरह से कोई भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है. ठीक है, वो पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है. इवन गोल्ड जो है, गोल्ड, डायमंड, ये भी एक तरह से नाउन है आपके. सॉल्ट आपका नाउन है. ये सब चीजें हम डिटेल में कल की क्लास में भी पढ़ेंगे, वन बाय वन हर एक टॉपिक को हम समझेंगे. आज सिर्फ हम पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि आखिर ये पार्ट ऑफ स्पीच किन किन चीजों से बनता है. ठीक है, आते हैं अगला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का. अगला पार्ट है प्रोनाउंस. ओके, प्रोनाउन एक तरह से हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे, उसको हमें जब सब्स्टिट्यूट करना हो. ओके, इट इज डिफाइंड एज अ वर्ड और फ्रेज दैट मे बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ नाउन और नॉन फ्रेज विच वंस रिप्लेस्ड इज नोन एज द प्रोनाउन एंड एंटीसिडेंट. प्रोनाउन्स कैन डू एवरीथिंग दैट नाउन्स कैन डू.
Pronoun can act as a subject, direct object, indirect object, object of the preposition and more. यहाँ पे कुछ example लिखे हुए I, me, you, himself, her, then, herself, we, him, they, ये सब के आपके pronoun है. आप इनको noun की जगह use करते हो. Pronoun क्या है? हम use करते हैं या substitute करते हैं इसको noun की जगह. ठीक है? Next हम example पे आते हैं. I don't really know her. तो her और I, यहाँ पे आप देख रहे हो I और her यहाँ पे क्या है आपका pronoun है. Next में क्या है आपका pronoun? That is a horrible painting. इसमें क्या pronoun है आपका? That. Very good. तो यहाँ पे हम that हमको तो वो noun की जगह हमने क्या use किया यहाँ पे pronoun use किया. अब वो that क्या हमको तो पता नहीं है ना. That हो सकता है कि means वो direction बता रहा हो. That हो सकता है वो किसी place के बारे में बता रहा हो या किसी person के statue का बारे में बता रहा हो. कुछ भी हो सकता है that. पर हम उसको use कर रहे हैं किस तरीके से as a pronoun use कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, noun की जगह पे. जैसे that या east direction painting is a horrible painting. ऐसे भी हो सकता है ना. ईस्ट डायरेक्शन हो सकता है आप किसी रूम में हो और वहाँ पे एक डायरेक्शन में पेंटिंग रखी हो. ईस्ट वहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन की जगह आप दैट यूज करो. दैट इज अ हॉरिबल पेंटिंग. ओके, हु ओन्स द नाइस कार. तो यहाँ पे हु क्या है आपका? हु क्या आपका प्रोनाउन है. मीन्स आप नाउन की जगह जो चीज यूज कर रहे हो उसको रिप्लेस करने के लिए एक तरह से उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. समझ में आ रहा है? नाउन क्या है? हमें जब पता हो एग्जैक्ट कि हाँ ये वही है. ठीक है, अगर मान लो हमें किसी का नाम नहीं पता हो तो हमको ही शी इस तरीके का हम यूज करते हैं. राइट, प्रोनाउन उस वक्त यूज करते हैं. या आई, आई हम उस वक्त प्रोनाउन मीन्स आई क्या एक तरह से आपका प्रोनाउन है. तो अभी दो टॉपिक हमने समझा, एक नाउन एक प्रोनाउन. आपका थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं? कोई बताएगा वर्ब्स क्या होते हैं? क्रिया. जी, आई एम डूइंग व्हाट. जो सन राइजेस इन द ईस्ट वाले में वर्ब्स बता सकता है कोई उस स्टेटमेंट में? राइजेस तो एक तरह से वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं. मींस वो क्या काम करने वाला या क्या काम कर रहा है. ओके, उसको वर्ब्स कहेंगे. A word that tells what someone or something does. An action word or word of being in the sentence. Okay? Example यहाँ पे दिया हुआ है जैसे sit, ran, laugh, jump. ये सारी example हैं आपके verbs के. आप इन सब word को use कर सकते हैं as a verb आपके sentence में. और यहाँ पे एक चीज आप note कर सकते हो, you can't have a sentence or question without a verb. Means आप कोई भी sentence बिना verb के नहीं बना सकते. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेंटेंस या स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट आपका किससे बनता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट से. राइट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर आपका प्रेडिकेट बनाते हैं. बिना वर्ब का आपका सेंटेंस या कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो विल यू चेक इफ दिस बुक इज इन स्टॉक. ओके, तो आपका चेक यहाँ पे क्या है? वर्ब्स है. राइट, I have already checked twice. आपका checked भी verb है यहाँ पे. I heard that you used to sing. एक तरह से sing क्या वो बता रहा है ना कि मैंने सुना है तुम गाना गाते हो. Right? तो गाना गाते हो तो ये क्या है? गाना गाते हो. Verb. Used to sing. गाना मैम ओनली मैम यहाँ पे ओनली गाते हो वर्ब होगा ना. जी गाते हो, गाना नहीं होगा यहाँ पे. गाते होगा, गाना तो नहीं होगा, ओनली गाते होगा. गाना ऑब्जेक्ट होगा ना मैम. गाना ऑब्जेक्ट होगा. आई हर्ड दैट यू यूज्ड टू सिंग. सिंग यहाँ पे आपका वर्ब है. ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया नहीं है, बस यहाँ पे बताया आई क्या है आपका एक तरह से सब्जेक्ट है. आई हर्ड दैट यू यूज्ड टू सिंग. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है आई sang इन choir फॉर 10 years. sang आपका वर्ब है. वर्ब क्या है? बस बेसिकली ये समझ लो कि जो बता रहा है किस तरीके का एक्शन
परफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग, कोई भी क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव्स पे। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एक तरह से वो मॉडिफाई करते हैं किसी भी वर्ड को, सुंदर बनाते कह सकते हैं, किसी भी वर्ड को अच्छा बनाते हैं, ओके। तो दे कैन आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई अनदर पर्सन और थिंग इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव्स आर यूजली पोजिशन बिफोर द नाउन और द प्रोनाउन दैट दे मॉडिफाई, ओके। ये एडजेक्टिव कहाँ पे आपका ज्यादातर मिलेगा आपको, नाउन या प्रोनाउन के बाद मिलेगा आपको, ठीक है, उसके आगे कभी नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम्पल में आपका जैसे ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ऐसे करके आपके एडजेक्टिव्स हैं जो बता रहा है उसके बारे में कि मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन है क्या, अभी किस मोड में है। एग्जाम्पल भी आप देख लो, द डॉग इज बिगर देन द कैट, द डॉग इज बिगर देन द कैट। वो डॉग क्या है, बड़ा है, छोटा है, मोटा है, कैसा है, वो यहाँ पे एक तरह से बता रहा ना कि किस तरीके का डॉग है, राइट। आपका डॉग बिगर देन द कैट, कोई भी कलर भी, कलर भी, मैम कोई भी कलर भी, कलर भी आपका एडजेक्टिव होगा, कलर भी आपका एडजेक्टिव होगा। एक तरह से कलर क्या, एक तरह से डेकोरेशन की तरह आप कह सकते हैं, डेकोरेट करने के लिए सेंटेंस को आपको यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ही इज द लेजिएस्ट पर्सन आई नो, ये बता रहे कि पर्सन किस तरीके का लेजी पर्सन, राइट। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, राइट। नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, नाउन किसी चीज या किसी शख्स का नाम, किसी प्लेस का नाम, बिल्कुल सही। और उसके बाद हमने पढ़ा प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के बदले में जो यूज होता है, द वर्ड ऑफ वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। उसके अलावा हमने फिर आगे क्या पढ़ा, वर्ब पढ़ा, वर्ब क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन जो एक्शन होता है उसका, नाउन और प्रोनाउन का एक्शन क्या, किस तरीके का नाउन का एक्शन है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है एक तरह से, वो नाउन का एक्शन। उसके अलावा हमने पढ़ा क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन को, यस मैडम, ओके। उसके बाद आता है एडवर्ब, एडवर्ब क्या करते हैं, हम वर्ब क्या करते थे, एक्शन वर्ड था, राइट। और एडजेक्टिव क्या था, वो आपका नाउन या प्रोनाउन को क्या करता था, मॉडिफाई करता था, राइट। लेकिन आप एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, राइट। एडवर्ब आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये इधर सपोर्टर है आपका वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, ओके। ये ज़्यादातर एलवाई से एंड होते हैं, ओके। तो ये बताते हैं, टेल्स यू व्हेन, वेयर, हाउ, इन व्हाट मैनर और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म, ओके। ये एडवर्ब क्या होता है, ये बताते हैं कि किस लेवल तक जो है वो एक्शन परफॉर्म किया गया है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली एम के साथ एक्सट्रीमली बताना, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली आपका क्या है, एडवर्ब हुआ, राइट। हेलो, ही इज वेरी फास्ट रनर, ही इज वेरी फास्ट रनर, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है आपका, फास्ट, वेरी फास्ट, फास्ट, ओके। और इसके अलावा और कोई एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं, ही इज अ वेरी गुड बॉय, एग्जांपल है यहाँ पे एडवर्ब का, रे एक्टेड रूडली,
रिएक्टेड रूडली, रूडली क्या आपका एडवर्ब है, ओके कौन रूडली एक्ट किया, रे, ओके तालिया राइट्स क्वाइट क्विकली, एक तरह से यहाँ पे आपका स्टेटमेंट पढ़ना, कैन बी एडेड टू अ वर्ब और कैन बी एडेड टू अ वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, वर्ब एक तरह से आपका क्या होता है, डूअर ऑफ द सब्जेक्ट होता है, ओके वर्ड वर्ब क्या होता है आपका, एक तरह से वो क्या काम कर रहा है वो कह सकते हैं कि डूअर ऑफ मीन्स क्या काम कर रहा है वो बताता है सब्जेक्ट, ओके सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है मतलब एक तरह से उसका सपोर्टर इसको हम कह सकते हैं, एडवर्ब यहाँ पे लिखा भी है सपोर्टर ऑफ वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब, ओके एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं वर्ब का, ही प्रेजेंटेड मी अ वॉच, ही प्रेजेंटेड मी अ वॉच ऑन माय बर्थडे, जस्ट अ सेकेंड, एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे, चलिए अभी यही पे समझते हैं, हेलो मेरी आवाज जा रही है सबको, अभी बस आप इतना समझ लो, इसको हम डिटेल में अगले क्लास में भी पढ़ेंगे, फिर सिर्फ शॉर्ट में अभी समझ लो, हर एक का बस एक ऊपर से ओवरव्यू दिमाग में होना चाहिए शॉर्ट, बस एक एक पॉइंट में कि नाउन का यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, एडजेक्टिव का यूज क्यों करते हैं, एडवर्ब का यूज क्यों करते हैं, ये सारी का बस एक आप एक एक वर्ड अपने दिमाग में रखे रहो, ठीक है, यस हम डिटेलिंग में आगे भी पढ़ेंगे इसको, क्योंकि पूरा ये वीक हम पार्ट ऑफ स्पीच पे ही जाएगा पूरा, उसके बाद अगला पार्ट ऑफ स्पीच है आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन एक तरह से आपका बताते हैं कि मतलब ये पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन किस पोजिशन पे आपके सेंटेंस में, ओके द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ऑन आपका क्या है प्रीपोजिशन, उसके अलावा और कोई एग्जांपल प्रीपोजिशन का आप दे सकते हो वो हम आगे देख लेंगे, अभी आप यहाँ पे देख लो, मैंने कुछ यहाँ पे चार्ट भी बना के यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके के प्रीपोजिशन हो सकते हैं आपके, अगर जस्ट ऑब्जेक्ट से टच में हो और बगल में हो तो उसको हम बिहाइंड बोलेंगे, और थोड़ा दूर हो लेकिन ऑब्जेक्ट के बगल में हो तो बिसाइड होगा, ओके उसके ऊपर होगा तो इन फ्रंट होगा, अगर मीन्स पूरा सर्कल में एक तरह से होगा तो उसका अराउंड बोलेंगे, और अंडर में होगा तो इन होगा, और दो के बीच में होगा तो बिटवीन होगा, किसी के नीचे होगा तो अंडर होगा, और किसी के बाहर होगा तो आउट होगा, किसी के ऊपर होगा इस तरीके से तो ऑन होगा, जैसे कैट सेट ऑन द टेबल आपको बताया था मैंने, अगर सामने टेबल के सामने बैठता कैट तो कैट सेट इन ऑन द फ्रंट ऑफ द टेबल, ऐसा करके आप बोल सकते हो, और किसी के अंडर से जा रहा है, जैसे आप ये कह सकते हो तरह से टनल, टनल के थ्रू, ही वेंट थ्रू टनल, ऐसे करके थ्रू जो है आपका प्रेपोजिशन होगा, ऐसे करके आप ये कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख सकते हो कि हमें कब बिहाइंड यूज करना है, कब बिसाइड यूज करना है, कब इन यूज करना है, ये सब चीज़ें हैं, ओके तो प्रेपोजिशन एक तरह से आपका वर्ड है, वो वर्ड जो हम नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज करते हैं उसका रिलेशनशिप बताने के लिए उस पर्टिकुलर वर्ड से किसी भी सेंटेंस में,
कि वो उस मतलब सेंटेंस के ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे कहाँ पे है, उसका पोजीशन बताने के लिए हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है मैम, ये क्वेश्चन है कि ये नाउन और प्रोनाउन को रिलेशनशिप बताने के लिए प्रपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मतलब नाउन तो हुआ कोई नाम और किसी का भी हुआ, और प्रोनाउन हुआ ही, सी, इट, ये सब हुआ, तो इसका रिलेशनशिप मतलब बताने के लिए हम ये क्लियर नहीं हो पा रहा थोड़ा मैम। जी वो जैसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यहाँ पे एक तरीके से हम यूज कर सकते हैं कि आपका सन और ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो दोनों को जोड़ कौन रहा है, इन जोड़ रहा है कि नहीं मैम? उसमें तो दोनों क्या नाम है, सन और ईस्ट दोनों नाउन ही है, उसमें प्रोनाउन कहाँ आया? देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा है, नाउन और प्रोनाउन बोला है ना, डिसाइड द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, और लिखा है ना, और ये तो नहीं बोला है कि नाउन, yes, नाउन एंड प्रोनाउन, यहाँ पे और लिखा मीन आपका, देखिए नाउन आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन, नाउन आपका सब कुछ है, मीन्स नाउन आपका सब्जेक्ट भी है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट भी है, समझ में आ रहा है आपको? ईस्ट एक तरह से आपका डायरेक्शन और वो नाउन है, ठीक है, सन आपका नाउन है, आ रहा समझ में? प्रोनाउन ही, आई, शी, ये सारी चीजें प्रोनाउन है ना, समझ में आ रहा है? हिमसेल्फ, हर, ये सब प्रोनाउन में आएगा। ओके हम फिर से अभी समझेंगे, ओवरव्यू फिर से लेंगे इसका, अभी हम बारी बारी से बस समझ लेते हैं इन सबको, क्योंकि एक ओवरव्यू निकल जाएगा तो हमको समझना इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल हैं प्रपोजिशन के। हसन इज कमिंग फॉर डिनर एट 6 PM। हसन डिनर पे आ रहा है कितने बजे, कौन बता रहा है? प्रपोजिशन बता रहा है ना कि मतलब एट बता रहा है ना कि एट, इन दोनों को कंबाइन कौन कर रहा है, टाइम को और उसे, हसन इज कमिंग फॉर डिनर और टाइम को कौन कंबाइन कर रहा है, प्रपोजिशन, राइट? इज आपका क्या, इज कमिंग, हेलो, हेल्पिंग वर्ब, जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हसन आपका सब्जेक्ट है, राइट, नाउन है, राइट, समझ में आ रहा है? 6 PM आपका टाइम एक तरह से भी नाउन है, यस, ठीक है, तो दोनों नाउन को जोड़ कर रहा है, एट जोड़ रहा है, राइट, यस, ओके। तो आप बस नाउन का याद रखो, नाउन कुछ भी है, मतलब जितना भी नाम आप बोल सकते हो, कोई भी चीज, किसी भी चीज का नाम जो है, चाहे वो टाइम हो, गोल्ड, गोल्ड, डायमंड, टाइम, कलर, सब कुछ आपका, ये सब इसमें आ जाए, कलर तो एडजेक्टिव है, सॉरी, ये सब चीजें आपका इसमें प्रपोजिशन को, नाउन को कंबाइन करने के लिए प्रपोजिशन का यूज किया गया है। ओके अगला एग्जांपल देखो, आई लेफ्ट द कप ऑन द किचन काउंटर। उसने कप को कहाँ, मतलब किचन काउंटर के नीचे, किचन काउंटर के ऊपर कहाँ पे उसको छोड़ दिया, कप को, ऑन, इन, बिलो, ऐसे करके होगा, ऊपर, जी, तो ये ऊपर, ऊपर, जी, तो दोनों को जॉइन कौन कर रहा है, कप को और काउंटर को, ऑन, ठीक है, इस तरीके से आप समझो, प्रपोजिशन एक तरह से आपको क्या कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को वो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अगला है, कैरी वॉक्ड टू द शॉप। कैरी कहाँ पे गया है, वॉक्ड टू द शॉप, शॉप, टू का यूज यहाँ पे किया गया दोनों को कंबाइन करने के लिए, ठीक है, दोनों के बीच रिलेशन बताने के लिए कि कैरी शॉप पे गया है। ओके अभी हम कंजंक्शन पे आते हैं, ये भी थोड़ा सिमिलर है। ओके कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड। ओके कंजंक्शन क्या है, वर्ड है जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए, क्लास बोरिंग जा रही है जी, कोई बताएगा क्लास? मैडम मैडम ये काम
मैं यही काम तो प्रीपोजिशन की करता है ना जी, अभी जस्ट जो प्रीपोजिशन एक सेंटेंस के अंदर रहेगा, समझ में आ रहा है? कंजंक्शन अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते हैं। मैम जैसे कि मान ली प्रीपोजिशन में ऐसा था कि नाउन को एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे, तो सेम तो इसके साथ भी, जैसे राम एंड श्याम या बट भी मतलब एक दूसरे को कनेक्ट है, तो नाउन को भी तो ये कनेक्ट कर रहा है ना जी। आप इसका अभी मतलब आप समझोगे कंजंक्शन का भी यहाँ पे, जैसे कि कंजंक्शन का हम एग्जाम्पल भी देख के अभी समझ जाएंगे, थोड़ा अभी देखते रहो। एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो। दारिया लाइक्स स्विमिंग एंड हाइकिंग, यहाँ पे स्विमिंग और हाइकिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट? ये नाउन तो है, नाउन तो है नहीं, दारिया यहाँ पे नाउन है, राइट? यस यस। तो यहाँ पे दारिया लाइक्स स्विमिंग, दारिया लाइक्स हाइकिंग आल्सो, दारिया लाइक्स स्विमिंग एंड दारिया लाइक्स हाइकिंग, एंड का यूज किया गया है दोनों अलग अलग स्टेटमेंट को, सेंटेंस को जोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? यस यस यस। यू कैन चूज व्हाट मूवी, दो स्टेटमेंट को ऐड कर रहा हूं जी जी। यू कैन चूज व्हाट मूवी वी वॉच बिकॉज़ आई चूज द लास्ट टाइम। वी कैन आइदर गो आउट फॉर डिनर और गो टू द थिएटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट को या सेंटेंस को, या फिर आप यहाँ पे एक और चीज देखो, ये क्या है, ज्वाइन करता है कि दो वर्ड या फंक्शंस को भी। फंक्शंस में आपके क्या हो सकते हैं? अच्छा कोई बताएगा क्लॉज क्या होता है? किसी के बारे में मतलब इंडिकेट करना चाहिए। कोई एक आवाज नहीं आ रही है। किसी के बारे में इंडिकेट करना एक क्लॉज टाइप का होता है ना मैम। ओके, ये भी कह सकते हैं। मैं बताती हूँ, एक तरह से क्लॉज क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ओके, जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ओके, या क्लॉज क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे जिसके पास दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे। माइकल बॉट अ न्यू कंप्यूटर, यहाँ पे ये एक सेंटेंस है और एक क्लॉज भी है। देखिए अभी आप कंफ्यूज मत होना, क्लॉज क्या होता है आपका, क्लॉज एक तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो आपके क्या होते हैं, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, राइट? हर कंप्लीट सेंटेंस में क्या होता है, एटलीस्ट एक क्लॉज होता है, ओके? जैसे माइकल बॉट अ न्यू कंप्यूटर, एक तरह से ये इसमें क्या क्या है आपका, सब्जेक्ट भी है, राइट, और प्रेडिकेट भी है इसमें, राइट? और क्लॉज क्या था, क्लॉज आपका क्या है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आते हैं। अभी एक और स्टेटमेंट आपको देंगे, उससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। माइकल बॉट अ न्यू कंप्यूटर कॉमा बट ही स्टिल हैज द ओल्ड वन। माइकल के पास नया कंप्यूटर है लेकिन उसके पास ओल्ड वन, मतलब ये पूरा एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज है कि उसके पास नया कंप्यूटर, एक क्लॉज है कि उसके पास पुराना वाला भी है, ठीक है? माइकल बॉट अ न्यू कंप्यूटर बट ही स्टिल हैज द ओल्ड वन, आया क्लॉज का मतलब समझ में? ओके, तो क्लॉज यस थोड़ा आ गया, और प्रेडिकेट दोनों होंगे, ठीक है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होंगे, जिसमें ये वाला स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, चाहो तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, आप लिख लेना, ये एक्सरसाइजेस मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी। क्लॉज क्या होता है,
a group of words that has both, just a second, that has both a subject and a predicate. आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ओके, माइकल बॉट अ न्यू कंप्यूटर बट ही स्टिल हैज द ओल्ड वन, ओके, ठीक है मैम जी. क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होगा? सेंटेंस में आपका क्लॉजेस में देखिए, सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं. यस मैम. क्लॉज जो होता है वो सब्जेक्ट कंटेन करता है और एक वर्ब कंटेन करता है. समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होगा. और सेंटेंस मैडम एक चीज सेंटेंस भी होता है जी. देखिए एक मिनट, क्लॉज आपका इनकम्प्लीट होता है, मीन्स पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं होता है, लेकिन आपका सेंटेंस जो होता है कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देता है. समझ में आ रहा है? क्लॉज कम्प्लीट होगा और सेंटेंस या सेंटेंस जो होगा वो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देता है. मैम लेकिन अभी तो आपने बताया कि मतलब उसके पास पुराना, माइकल के पास नया कंप्यूटर है और पुराना कंप्यूटर भी है, सेंटेंस को पूरा क्लियर किया ना जी. वो एक सेंटेंस था, देखिए एक मैं एग्जांपल फिर से लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए यहाँ पे. जस्ट अ सेकंड, माइकल राइट, मैम कोई दूसरा एग्जांपल दीजिए थोड़ा और समझ में. जी जी बता रहे, बॉट न्यू कंप्यूटर. But he still has the old ones. Okay? तो यहाँ पे ये पूरा आपका एक तरह से sentence है. मैं highlight कर देती हूँ उतना अलग अलग. Just a second. ठीक है, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है आपका, इतना मैं बता देती हूँ जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये पूरा एक आपका सेंटेंस है. ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलके ब्लू और रेड जो दिख रहा है पार्ट, ये दोनों अलग अलग क्लॉज है. ठीक है, दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं, दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं. एक सेंटेंस को क्लॉज कर सकते हैं क्या? क्लॉज आपका कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा. अभी आप एक क्या बोल रहे थे, रिपीट करना आप. एक सेंटेंस को क्लॉज कर सकते हैं, जैसे एक कंप्लीट सेंटेंस क्लॉज कर सकते हैं, जैसे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब. जी कह सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए. आपका क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट हो या ना ये जरूरी नहीं है. क्या कहा? क्लॉज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस. कह सकते हैं क्लॉज इज सिमिलर टू सेंटेंस,
बट क्लॉज एक तरह से इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, दो एक या दो से एक से अधिक क्लॉज मिलके आपके सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लॉज नहीं बन, क्लॉज और सेंटेंस आप कंफ्यूज मत करना। सेंटेंस जो होता है उसमें आपके कई सारे क्लॉजेस भी आ सकते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है। यस मैडम, अभी कंफर्म नहीं हो। अच्छा जस्ट अ सेकंड, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। एक एग्जांपल और आप समझो, व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड, इसमें दो क्लॉज है, कोई बता सकता है एक क्लॉज क्या है और दूसरा क्लॉज क्या है? व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड, दे वेंट इनसाइड, व्हेन इट रेन्ड, मैम ये तो अलग अलग क्लॉज हो गए, बट हम देखिए दे वेंट इनसाइड, तो मैम ये तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, यहाँ पे तो मतलब आपको वाक्य का मतलब समझ नहीं आ रहा है ना? Actually, they went inside, but why they went inside? यहाँ पे the other part is explaining why they went inside, right? Clause आपका incomplete information, जैसे when it rained, अब जब बारिश हुई तो क्या किया उन लोगों ने? They went inside, ये अंदर क्यों चले गए? Question आपका arise कर रहा है कि नहीं clause के time पे, कि अब sentence को तोड़ लो आप, when it rained, जब बारिश हुई तो क्या किया उन लोगों ने? आपके पास आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट? एक क्लॉज ये हुआ, दे वेंट इनसाइड, वो अंदर क्यों गए? दूसरा क्लॉज ये है, अब जब दोनों को कंबाइन कर लेंगे, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई आपके पास, ये सेंटेंस हुआ। आया समझ में? समझ में आया अभी क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है? एग्जाम्पल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड एक स्टेटमेंट या सेंटेंस है आपके पास, व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड ये सेंटेंस है, क्लियर है आपको? समझ में आया व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड, ये चीज क्लियर है कि ये एक सेंटेंस है? यस मैम। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई ना कि बारिश हो रही है तो लोग अंदर चले गए, राइट? लेकिन इसी को आप तोड़ दो, अब इस स्टेटमेंट आपको दो क्लॉज मिलेगा, व्हेन इट रेन्ड एक क्लॉज ये हुआ, दूसरा क्लॉज क्या है? दे वेंट इनसाइड, दूसरा क्लॉज। नाउ अब उसी दोनों क्लॉज को समझने की कोशिश करो अलग अलग। व्हेन इट रेन्ड आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जब बारिश हुई तो क्या किया उन लोगों ने? नहीं है। दूसरे क्लॉज का देखो, दे वेंट इनसाइड, तो दूसरे क्लॉज में भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, वो अंदर क्यों गए, राइट? Yes, ma'am. अभी कोई डाउट है? मैम थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है, लेकिन आप जब अलग अलग एक बार बताएंगी ना तब और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल मैम कह सकते हैं कि क्लाउड्स वो है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, लेकिन उसका एक सेंटेंस फॉर्म नहीं बन पा रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, और जब एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं बन सकता, हो सकता है कभी कभार बन जाए लेकिन हमेशा नहीं बनेगा वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ओके ओके, तो अभी समझ गया मैं। आई थोड़ी? यस मैम। किसी को कोई डाउट? चलिए कंजंक्शन पे आते हैं हम। कंजंक्शन है क्या यहाँ पे? एग्जांपल के थ्रू, दारिया लाइक स्विमिंग एंड हाइकिंग। एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे क्या क्या कंजंक्शन की तरह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सिंस, येट, एंड, बिकॉज, बट, फॉर, अनटिल, हाउएवर, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड को ज्वाइन करता है या दो अलग अलग चीजें जो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा क्लॉज वाला एग्जाम्पल देखा था आपने, व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड वाला जो था, दो चीजों को ज्वाइन किया था यहाँ पे, राइट? लेकिन ये चीजें ज्वाइन कैसे हुई थी? सॉरी, ये माइकल वाला एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आएगा। बट ये देख रहे हो, बट आप इन दोनों को कैसे ज्वाइन किया? दो अलग अलग स्टेटमेंट है, राइट? ये दो अलग अलग स्टेटमेंट किसके थ्रू ज्वाइंड है? कंजंक्शन बट के थ्रू, राइट?
ओके, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, इसका और भी एग्जाम्पल है, एंड बट और बिकॉज, ये सब चीज़ें आप देख लेना। अभी हम और भी एग्जाम्पल करेंगे साथ में, अभी हमारे पास टाइम है आधे घंटे। ओके, यू कैन चूज वॉट मूवी वी वॉच बिकॉज आई चोज द लास्ट टाइम, यहाँ पे क्लॉज भी बन सकता है, राइट? यू चोज वॉट मूवी वी वॉच बिकॉज आई चोज द लास्ट टाइम, दो अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे भी हैं। तुम वो मूवी चूज कर लो जो मूवी हम देख रहे हैं, या वो चूज कर लो जो लास्ट टाइम चूज किया था, राइट? नहीं सॉरी, या नहीं, यहाँ पे बिकॉज है, क्यों? क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम चूज किया था। ओके, यू चूज वॉट मूवी वी वॉच, तुम वही, यू चूज वॉट मूवी वी वॉच मीन्स तुम वो मूवी चूज कर, यू चूज वॉट मूवी वी वॉच, थोड़ा स्टेटमेंट, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द स्टेटमेंट। यू कैन चूज मूवी वॉट मूवी वी वॉच बिकॉज आई चूज द लास्ट टाइम, वॉट एवर मूवी, राइट? वॉट एवर मूवी मेरे ख्याल से हो सकते हैं पे, बिकॉज या फिर ये हो सकता है कि तुम चूज कर सकते हो कौन सी मूवी हम देखेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम चूज किया था जी, क्योंकि यहाँ पे नहीं, बिकॉज, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज का मतलब वही हुआ ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था तो तुम भी वही मूवी देखो, मीन्स एक तरह से बिकॉज आई चूज लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम चूज किया था जी जी, इसलिए उस इस बार वो चूज कर रहा है जी। वी कैन एदर गो आउट फॉर डिनर और गो टू द थिएटर, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया हुआ है, राइट? वी कैन एदर गो आउट फॉर डिनर और गो टू द थिएटर, हम डिनर के लिए भी जा सकते हैं या थिएटर के लिए, एदर के साथ और यूज करता है, ये दिमाग में आप रखे रहना, नैदर के साथ नॉर होगा, ठीक है? एदर और नैदर नॉर, ये भी कंजंक्शन है आपके, ठीक है? अब आती है इंटरजेंक्शन की बात, इंटरजेक्शन जब कुछ भी एक्सप्रेस करना, इमोशंस, सडन इमोशन या स्ट्रांग इमोशंस, तो हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज करते हैं। ओके, ये इंटरजेक्शन अकेले भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि इसके साथ कोई और स्टेटमेंट ऐड हो, ओ गॉड ऐसे करके बोलते हैं सब लोग, तो वो क्या आपका एक स्टेटमेंट हो है कि नहीं, वो भी एक तरह से ओ गॉड। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, आउच आई हर्ट माई आर्म, हे वॉट, हे हाउ आर यू डूइंग, हे यहाँ पे क्या बता रहे, एक तरह से इमोशन ना, कि तुम क्या कर रहे हो, एक तरह से चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक्साइटमेंट कह सकते हैं यहाँ पे, राइट? या सरप्राइज भी कह सकते हैं यहाँ पे, हे को एज अ सरप्राइज भी यहाँ पे शो कर रहा है, हे वॉट आर यू डूइंग, या हे हाउ आर यू डूइंग, एक्साइटमेंट शो कर रहा है यहाँ पे कि नहीं, हे हाउ आर यू डूइंग, एक तरह से एक्साइटमेंट नजर आ रही है। इंटरजेक्शन क्या है, एक तरह से वो एक्सप्रेस क्या करता है, सडन इमोशन जो होगा उसको एक्सप्रेस करता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, देखो, गुड बाय, वाव, गॉश, आउच, ये सब चीजें, हॉट, बू, ऐसे करके आपके इंटरजेक्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। अभी हम फर्दर और देखते हैं, यहाँ पे पूरा एक पेज में हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। वेल, वी लाइक टू विजिट ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड देन, ओके, तो वेल आपका क्या है यहाँ पे, एक तरह से इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? यस और नो? हेलो मैम, एक बार थोड़ा अगेन इसको थोड़ा बता दीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच को, ये स्लाइड मैंने, नहीं नहीं, ये स्लाइड को व्हिच वन पार्ट ऑफ स्पीच जो अभी सामने है आपके, यस अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली जो हमने पहले पढ़ा उसी सब का बस एक ओवरव्यू है, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है, प्रोवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सब समझेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वेल वी लाइक टू विजिट ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड देन,
तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरजेक्शन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो वेल आपका क्या बता रहा है? वेल आपका इंटरजेक्शन बता रहा है, मीन्स एक तरह से ये फीलिंग आपको समझ में आ रही है, कैसे ये कुछ तरीके का एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? यस। ओके, तो ये इंटरजेक्शन है। फिर वी, वी क्या है? हम जब किसी नाउन की जगह हम कुछ और सब्स्टिट्यूट, प्रोनाउन है राइट, जब हम सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं किसी चीज को तो उसको प्रोनाउन कहते हैं, राइट? तो वी यहाँ पे आपका प्रोनाउन हो गया। फिर लाइक टू विजिट, लाइक आपका क्या है? एक तरह से एक्शन बता रहा है, लाइक टू विजिट। और यहाँ पे विजिट भी आपका क्या एक्शन बता रहा है, राइट? लाइक भी है और विजिट भी है, राइट? यस। मींस आप चाहते हो कि मतलब आप विजिट करो, चाहते हो और विजिट करो, राइट? टू आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव कनेक्ट कर रहा है। प्रेपोजिशन कंजंक्शन नहीं, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन क्या था? रिलेशन बताता है आपका। यस मैम, यस मैम, राइट? तो यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आपका शो कर रहा है कि कुछ तो रिलेशन है, राइट? वी लाइक टू विजिट ओल्ड फ्रेंड्स। ओल्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। गुड फ्रेंड, बैड फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, ये एक तरह से क्या कर रहा है? आपका बता रहा है कि किस तरीके के फ्रेंड है आपके। तो एडजेक्टिव क्या करता है? मॉडिफिकेशन, डेकोरेट कर रहा है एक तरह से, राइट? मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, राइट? तो यहाँ पे ओल्ड आपका एडजेक्टिव हुआ। फिर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपका क्या, किसके बारे में बात हो रही है? फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है, तो फ्रेंड्स नाउन हुआ, राइट? जिसके बारे में बात हो रही है वो एक तरह से आपका नाउन हमेशा ही कहलाएगा किसी भी स्टेटमेंट में। फिर नाउ मैम ओल्ड क्या कहलाएगा? और ओल्ड एडजेक्टिव, क्योंकि किस तरीके के फ्रेंड है, गुड है, बैड है, ओल्ड है, यंग है, हेल्दी है, ऐसे करके जो है आपके ये सब चीजें आपके एडजेक्टिव्स में आएंगी। ओके, फिर नाउ एंड देन। नाउ, नाउ क्या आपका एडवर्ब है? Then भी आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पे आपका दो स्टेटमेंट बन रहा है। We like to visit old friends now. We like to visit old friends then. इन दोनों को join कौन कर रहा है? And, right? तो मैम इसमें जो and ये है, ये clause में तरह से कह सकते हैं इसको। जी, clause नहीं। नहीं, conjunction तो and है, लेकिन तो यहाँ पे आपका नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम जो होगा वो नाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है? जब हम नाउन की जगह यूज करते हैं, आई, मी, ही, शी, हरसेल्फ, इस तरीके का जो होगा वो प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव जब वो मॉडिफाई कर रहा है, डेकोरेट कर रहा है, एक तरह से आप समझ लो हमेशा कि डेकोरेशन के लिए, एक तरह से हमेशा डेकोरेशन याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा कि एडजेक्टिव मतलब यही है। फिर उसके बाद क्या है? एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, या पूरे सेंटेंस को। नाउ एंड देन आपका जैसे यहाँ पे है, मॉडिफाई कर रहा है ना कि कब। ओके, फिर वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है आपका किस तरीके का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जैसे लाइक और विजिट यहाँ पे है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के यूज करते हैं जब अलग अलग सेंटेंस, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उनके बीच हमें रिलेशन बताना हो, शो करना हो, उस वक्त हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कंजंक्शन हमने जब अलग अलग सेंटेंस को जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो। और इंटरजेक्शन जब कुछ एक्सप्रेस कर रहा हो कोई भी चीज, तो हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है? इसको हम बाद में, पोएम को बाद में देखते हैं, अभी हम रूल्स पे आते हैं। हम ब्रीफली समझेंगे इन सबको वन बाय वन, नाउन, प्रोनाउन, सब कुछ, ठीक है? अभी आप ये वाला सबको दिख रहा है स्लाइड?
ओके, आप चीज बस याद रखे रहना, W A H स्क्वायर I L I मीन्स जब भी मतलब हु मतलब कौन है क्या है ये सब चीजें होंगी वो नाउन या प्रोनाउन कहलाएंगी. ठीक है, ठीक है. उस सेंटेंस में हु मीन्स राम इज गुड, कौन गुड है, राम, राम क्या है, नाउन हुआ, राइट. सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट सन, तो सन भी आपका नाउन हुआ, राइट. ही इज वेरी गुड फ्रेंड, ही क्या है, प्रोनाउन हुआ, राइट. कौन गुड फ्रेंड है, हु इज गुड फ्रेंड, राइट. फिर उसके बाद ही लाइक्स टू रीड बुक्स, यहाँ पे ही आपका प्रोनाउन हो गया, लाइक्स आपका वर्ब हो गया, राइट. ही लाइक्स टू रीड बुक, राइट. बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो बुक क्या है, एक तरह से नाउन भी हुआ, राइट. बुक आपका क्या हुआ, नाउन भी हुआ, ही आपका प्रोनाउन हुआ, राइट. और एक रूल आपको याद दिलाया था कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना मस्ट है, राइट. बिना वर्ब के आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा या कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, राइट. समझ में आ रहा है. उसके बाद हाउ बता रहा है, मीन्स किस तरीके के लोग हैं, अच्छे हैं बुरे हैं या टॉल है शॉर्ट है, तो वो उस तरीके का जो सेंटेंस जब दिखेगा आपको मीन्स, तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा. मीन्स जब डिस्क्राइब आप करते हो एक तरह से, उसकी सुंदरता का वर्णन करना एक तरह से, वो एडजेक्टिव कहलाएगा. ठीक है, समझ में आया कि मीन्स ही इज टॉल, ही इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द क्लास, राइट. आपका टॉलेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव हुआ. हम एडवर्ब का यूज कब करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ एडवर्ब वाला भी, हमने क्या पढ़ा था एडवर्ब का. ये चीज था एडवर्ब में, एडेड टू वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, राइट. एलवाई दिखा आपको, ज्यादातर ये एलवाई से एंड करते हैं, राइट. ही इज रियली एंग्री, रियली क्या है, आपका एडवर्ब है, राइट. ही इज कमिंग लेटर, लेटर आपका क्या हुआ, एडवर्ब हुआ. कहाँ गया अभी स्लाइड, रूल्स पे हम थे. जी, तो अभी आपको समझ में आया कि जब नाउन या प्रोनाउन को डेकोरेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव होगा, और जब वर्ब या एडजेक्टिव को डेकोरेट कर रहा है तो वो आपका एडवर्ब हुआ. ठीक है, समझ में आया. और दो नाउन के बीच के रिलेशन को जो है प्रपोजिशन कहते हैं. ओके, कंजंक्शन, दो स्टेटमेंट क्लॉजेस वर्ड को जो ज्वाइन करता है उसको कंजंक्शन कहते हैं. और जब कुछ भी एक्सप्रेस करना हो या दिमाग में आपके क्या चल रहा है उसको इंटरजेक्शन बोलेंगे. तभी हम ये एग्जांपल देख लेते हैं.
हुर्रे वी हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर सोहम एंड रॉबिन फाइनली. तो हुर्रा क्या है यहाँ पे आपका, एक तरह से एक्सप्रेस कर रहा है कुछ चीजें, राइट, इमोशंस को, राइट, कि मतलब वो बहुत खुश है, राइट. तो ये क्या इंडिकेट करा, दिस वर्ड, द वर्ड विच इंडिकेट्स इंप्रेशन ऑफ माइंड, वो इंटरजेक्शन हुआ. वी क्या है, वी आपका प्रोनाउन हुआ. द अल्टरनेट नेम ऑफ ऑल हु हैव सेवरल नेम्स और नाउन, राइट. प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं नाउन की जगह, आई भी हो सकता था, हुर्रा आई हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर दिस फिनाले, ऐसे करके, ओके. तो यहाँ पे प्रोनाउन आपका जब नाउन को रिप्लेस करना हो, फिर हैव वन, हैव वन क्या आपका प्रोवर्ब, विच इंडिकेट द एक्शन इन द सेंटेंस, मीन्स वो क्या किया, वो जीता है ना, वो एक तरह से एक्शन हुआ, तो वो वर्ब कहलाया, ठीक है. उसके बाद आपका आता है अप्रेस्टिजियस, ये एक तरह से क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना, एक तरह से मॉडिफाई कर रहा है, किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. किस तरीके का प्राइज है, प्रेस्टिजियस, इसलिए वो एडजेक्टिव हुआ. फिर आता है प्राइज, प्राइज आपको पता है कि नाउन होगा, एक तरह से ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे, ओके. फिर आता है फॉर, फॉर क्या कर रहा है आपका, दो नाउन के बीच रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है प्राइज और सोहम. प्राइज भी आपका नाउन है, सोहम भी आपका नाउन है, राइट. दो नाउन के बीच आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रपोजिशन लगा हुआ है, ओके. फिर सोहम यहाँ पे क्या है, नाउन है, आपको पता है कि कोई भी पर्सन प्लेस का नाम जो होगा वो नाउन होगा. प्राइज भी एक तरह से आपका नाउन, आपको बताया था, वो भी नाउन ही होगा, एक तरह से ये नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है. फिर आता है एंड, एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है. क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो लोग को जोड़ रहा है, राइट, दो अलग अलग स्टेटमेंट को. मीन्स वी हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर सोहम, वी हैव वन अ प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर रॉबिन, दो अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे बन सकते हैं और उनको जोड़ने का काम एंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. फिर रॉबिन आपको पता है कि नेम ऑफ द पर्सन है, तो वो नाउन होगा यहाँ पे. इतना क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट, नो मैम. ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दिखा देते हैं आपको हम क्या करने वाले हैं अगले क्लास में. अच्छा, एक पोयम यहाँ पे आप देख लो. एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, कोई भी नाम होगा, किसी भी तरीके का नाम होगा, वो नाउन होगा. एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, ओके. एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, ठीक है. आप इस पोयम के थ्रू आप समझ जाओगे, अगर आपको ये पोएम याद हो गया तो लाइफ टाइम आप इसका यूज करके आप अपने फ्यूचर में इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हो. इन द प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, ओके. तो ही और शी आपका क्या है, प्रोनाउन है. द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वैन एंड ब्राइडल रिंग, तो मैजिक और ब्राइडल रिंग, राइट, ये सब क्या आपका एडजेक्टिव है, राइट. क्यों, क्योंकि वैंड, वैंड आपका नाउन हो गया एक तरह से, राइट, रिंग भी आपका नाउन हो गया, लेकिन एडजेक्टिव क्या लगा है, मैजिक और ब्राइडल लगा हुआ है, राइट. द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, टू रीड, टू राइट, टू जंप, टू रन, एक्शन. आपको वर्ब क्लैरिटी हो गई होगी कि वर्ब हमेशा एक्शन को दर्शाता है. हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल, किस तरीके से चीजें हो रही हैं वो आपको एडवर्ब बताता है. एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल. देन प्रीपोजिशन शोज रिलेशन, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन, किस तरीके का रिलेशन है वो आपको प्रीपोजिशन बताता है, कि कहाँ पे, किस जगह पे या किससे, ठीक है. फिर कंजंक्शन ज्वाइंस इन मेनी वेज, सेंटेंस, वर्ड्स और फ्रेजेस एंड फ्रेज, ठीक है. तो सेंटेंस आपका क्या कर रहा है, आपको ज्वाइन कर रहा है बहुत सारे तरीकों से, सेंटेंस भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है. फिर द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इंटरजेक्शन में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत पड़ेगी, और वो एक तरह से आपका एक्सप्रेस कर रहा है किसी भी सडन स्ट्रांग फीलिंग्स को, ओके, या इमोशंस को. थ्रू पोएट्री वी लर्न हाउ ईच ऑफ दिस मेक्स अप द पार्ट ऑफ स्पीच, ओके. तो ये आप देख लेना, मैं स्लाइड शेयर भी कर दूंगी आप लोग को. आने वाले क्लासेस में हम फिर से नाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन को पढ़ेंगे, वर्ब्स को पढ़ेंगे, साथ में एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे.
ये सारी चीजें आपको आने वाले क्लासेस में रहेंगी, ठीक है? आप ये देख लो। उसके अलावा हमने आज क्या क्या पढ़ा वो बता देते हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, इंग्लिश ग्रामर दो पार्ट में एनालाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल एनालिसिस करके, राइट, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच जब समझ जाएंगे उसका जो थ्योरी आपको मैंने बताई थी, जो रूल, अगर आपको वो रूल क्लियर होगा तो आप आसानी से बता सकोगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, ओके? और जब आप पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आपका इस पे मतलब डेवलप हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पार्ट ऑफ आइडेंटिफाई करना, जब आपको आसानी से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, तो आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो बहुत इजीली, ओके? तो अभी हम फिलहाल के लिए यहीं तक वो करते हैं। अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो, हम आने वाले क्लासेस में इन सबको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आज सिर्फ ओवरव्यू था कि पार्ट ऑफ स्पीच किन किन चीज़ों से बनता है। एक स्टेटमेंट सेंटेंस जो होगा उसमें पार्ट्स ऑफ बहुत सारे आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, टोटल मिल के पार्ट्स बनाते हैं, पार्ट्स। ऐसा मतलब स्पीच एक तरह से क्या आपका सेंटेंस समझ लो, ठीक है? सेंटेंस, उस सेंटेंस में कई सारे पार्ट होंगे आपके, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगी, एडवर्ब होगी, कन्वेंशन होगा, इंटरजेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें मिलकर आपका क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है? उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने देखे, रूल्स, ये रूल्स आप दिमाग में रखते रहे। ओके जी, ये वाला चीज़ दिमाग में रखना कि हु, वाई, अगर इस तरीके का कुछ निकल रहा है तो वो नाउन होगा, एक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो वर्ब होगा, फिर से अगर वो नाउन को बता रहे कि हाउ, किस तरीके के वो नाउन वो चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, वो चीज़ें आपके एडजेक्टिव हो जाएंगी, और वर्ब को जो मतलब मॉडिफाई कर रहा है वो एडवर्ब होगा, और जो रिलेशन बता रहा है दो नाउन के बीच प्रपोजिशन होगा, वो स्टेटमेंट या वर्ड को ज्वाइन कर रहा है वो कन्वेंशन, और एक्सप्रेशन जो बता रहा है वो इंटरजेक्शन, ठीक है? अभी किसी को कोई कुछ पूछना है? कैसा था क्लास? अच्छा था मैम, बढ़िया था। समझ में आया जो मतलब? मैम एक चीज बोल रहा हूँ कि यस मैम, समझ में आया मैम। एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे आप आज न्यूज़पेपर आप मतलब ग्रुप में शेयर की ना, तो ऐसा मतलब उस पे कुछ ऐसा टॉपिक शेयर कर दीजिए, और उसके बाद क्लास स्टार्ट होता है तुरंत पाँच मिनट तक, मतलब 5 मिनट में उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए कि हाँ ये जो हम टॉपिक शेयर किए हैं इसमें ये बताया गया है, तो फिर हम लोगों को भी समझ में आएगा कि मतलब ये जो इसको रीडिंग की करेंगे तो फिर आपको बताया ऑलरेडी आज ने कि मैं कल वही करने वाली हूँ कल के क्लासेस में, कि हम जो एडिटोरियल मैं जो शेयर करूँगी उसका मैं एक तरह से ओवरव्यू भी बता दूँ कि क्या उस एडिटोरियल में लिखा हुआ है, कुछ वोकैब्स उसके कट करके आपको उसका मीनिंग बताऊँगी, और उसका कुछ एग्जाम्पल मीन्स किसी और स्टेटमेंट से रिलेट करके उसका एक एग्जाम्पल भी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम जी, तो फिर हम लोगों को समझ में भी आएगा ना कि कैसे ऑब्जर्व करते हैं जी। ये फाइल आप लोग ओपन कर पा रहे हो कि नहीं, जस्ट मुझे बताओ। मैंने अभी शेयर किया है, एक्सरसाइजेस रिलेटेड है, आप लोग इसको ट्राई करना, जब नहीं आएगा तो हम इसको कल समझेंगे। अभी वैसे मैम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए मैम, इसमें से मैम अभी ये लेफ्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगी और ये भी शेयर कर दूंगी। यस यस, और कुछ किसी को पूछना है? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? नो, कोई बता सकता है हमने क्या क्या पढ़ा आज? मैम पूरा पार्ट सब इसके पढ़े हैं, पार्ट सब इसके टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मैम, व्हिच इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंजेक्शन, प्रीपोजिशन। मैडम किसी वर्ब में जो उसके जो पार्ट होते हैं, जैसे कि मैडम उसमें सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, मैडम जो वो पार्ट जिनसे एक सेंटेंस के वाक्य जिनसे एक सेंटेंस वाक्य कोड बनता है उसी को मैडम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। आप ये
तो फिर नाउन प्रोनाउन जी यस मैम वो पार्ट ऑफ इट एग्जांपल वेज फ्राइड राइस का भी मैंने दिया था इसमें वेज फ्राइड राइस का नाम क्या है वेज फ्राइड राइस उसमें मैडम ये राइस है वेज भी राइस है वेज और राइस राइस है सबसे ज्यादा यू जो चीजें हैं वो राइस के बारे में बताई गई है ना क्लेरिफाई मैडम वो राइस ही कर राइस ही राइस है तो आप लोग अपना अपना भी रेस्ट करना होगा आप लोग को भी Thank you.